हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आज धूप हुई है, दो तीन दिन कंटिन्यू बारिश होने के बाद और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव होने वाला है। आज 12 आवर स्टडी प्लान किया है और आज उसको एक्सिक्यूट करेंगे। तो सीधे यहाँ से चलते हैं लाइब्रेरी और अपनी आगे की पढ़ाई वहाँ स्टार्ट करता हूँ। और मैंने अपना आज का डे इसे 4 स्लॉट में डिवाइड किया है। पहला स्लॉट 5 आवर, सेकंड 3 आवर एंड उसके बाद 2 आवर एंड 4 स्लॉट में 2 आवर रखा हुआ है। तो पहले 2 स्लॉट में मैंने ऑप्शनल रखा है, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन नेक्स्ट इज पॉलिटी एंड उसके बाद मैं न्यूज़पेपर कर लूँगा। इस टाइम पे मेरा मोस्टली जो फोकस है मैंने ऑप्शनल पे शिफ्ट कर रखा है बिकॉज क्योंकि मुझे नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ऑप्शनल अपना ख़त्म करना है क्योंकि उसके बाद प्रॉपर गैप हो जाएगा प्रीलिम्स के, पहले ऑप्शनल पे ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसलिए ऑप्शनल जितना जल्दी मेरा कवर हो सकता है उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना टाइम दे सकता हूँ ऑप्शनल में। एंड देन उसके बाद जो मेरा GS2 है वो भी थोड़ा बहुत चल रहा है, साथ में GS1 का भी कुछ पार्ट लेके चलूँ, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, GS2 मेरे पॉलिटी है, तो ये 2-3 सब्जेक्ट साथ में लेके चल रहा हूँ। लेकिन जो मेजर मेरा जो अभी सब्जेक्ट जो फोकस है वो मेरा ऑप्शनल है। जो मेरा फर्स्ट स्लॉट है 5 आवर्स का वो थोड़ा सा बड़ा, बीच में गैप भी लूँगा, बट बड़ा इसलिए रखता हूँ क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो पढ़ना तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप एक अच्छे मूड से आते हो और आपकी एफिशिएंसी भी काफ़ी हाई रहता है, तो आप जितना ज़्यादा उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो। तो इसलिए मैं जो भी मैं पहला स्लॉट डिसाइड करता हूँ उसमें काफ़ी अच्छा टाइम रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसमें ज़्यादा एफिशिएंट रहूँगा और ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाऊँगा। तो अभी मेरा हो गया लंच करने का टाइम और जो भी मेरा फर्स्ट स्लॉट था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैं जाता हूँ लंच करने। लंच करके आऊँगा, देन आई अगेन स्टार्ट माई सेकेंड स्लॉट। बट उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये मेरा अभी के लिए, तो अभी चलते हैं लंच करने। सो आई बैक आफ्टर लंच एंड इट विल बी माई सेकेंड स्लॉट और ये स्लॉट 3 आवर का होगा जिसमें मैं अगेन अपना ऑप्शनल कवर करूँगा। तो मैक्सिमम जितना टाइम है वो मैं अपने ऑप्शनल को दे रहा हूँ, मेजर सब्जेक्ट अभी वही है, तो जितना जल्दी कवर हो सकता है उसको करता हूँ। और उसके साथ साथ अभी जब लास्ट सेशन में जब करूँगा तो उसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के भी कुछ पार्ट करूँगा, बट अभी फ़िलहाल मेरा अभी जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल पर ही पूरा फोकस कर रहा हूँ। तो आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। Then see whatever you made plan stick to is because daily target and जो plan है आप धीरे धीरे उसको achieve करते जाओगे तो आपका syllabus, आपका revision, whatever you have decided you will get completed. So basically made plan and whenever you start studying, जब भी आप पढ़ने बैठो तो make your confirm कि आप एक target set कर लो daily का, इतना मेरा target है, and try to achieve mostly about 90-95%. If there is 90-95% you cover then it will be fine, but try to be and it must to cover every topic, every concept, because this exam is going to be most difficult part of your life. ज़्यादा जल्दबाजी में आप चीज़ों को ख़त्म करने के चक्कर में कंसेप्ट या कुछ भी ऐसा मिस ना कर दो कि इन द एंड जब आपको रियलाइज़ हो कि कुछ चीज़ें छूट गई है, बट थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जाता है तो जाने दो। बट दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप स्टिक रहो एंड थोड़ा सा टाइम दिया करो इसको, अगर एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है तो वो भी दिया करो। तो
दिस इज़ माई थर्ड स्लॉट, और ये स्लॉट 2 आवर का रहेगा जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर करूँगा। और ये स्लॉट छोटा इसलिए है क्योंकि आप सुबह से जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपकी माइंड थोड़ा सा एक्सेग्रेट हो जाती है, तो आप चाहते हो कि थोड़ा कम टाइम आप स्टडी में दो जिससे आपकी एफिशिएंसी डाउन ना हो, और ब्रेक लेके किया करो, ब्रेक लेते हैं तो आपकी एफिशिएंसी थोड़ा सा रिकवर हो जाती है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, जो लास्ट के मेरे स्लॉट होते हैं उसको कम कर देता हूँ क्योंकि जो आगे की मेरी स्टडी है एफिशिएंट वे में चलती रहे। और मॉडर्न हिस्ट्री में इसलिए करो क्योंकि मैं कुछ दिन से आपको नेक्स्ट कुछ वीडियो में भी दिखाया था, क्योंकि अगर ये कवर नहीं होता है तब तक मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर स्विच नहीं करूँगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री और साथ में पॉलिटी मैंने स्टार्ट किया है और ये दोनों सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा साथ साथ में ऑप्शनल चल रहा है, GS1 का हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, एंड देन पॉलिटी चल रहा है। तो ये दो सब्जेक्ट साथ साथ में चलते रहेंगे, उसके साथ में करेंट अफेयर्स तो चलता रहता है। तो मेनली यही जो सब्जेक्ट है इस मंथ में देखते हैं कि ये कितने दिन तक कवर करता हूँ, अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो ऑप्शनल के बाद मैं इसको स्विच करके कुछ और स्टार्ट कर दूँगा। After dinner, I back to library again, and this is the my polity session, जिसमें मैं GS2 का polity लक्ष्मीकांत से कवर करूँगा। और यहाँ पर मैंने अपना जो भी सिलेबस है वहाँ लगा रखा है कि इसमें क्या क्या सेक्शन जो है मैं अपने लक्ष्मीकांत से कवर कर सकता हूँ, उसको देख भी सकता हूँ। मैंने काफ़ी बार इसको पढ़ा भी है, तो एट द एंड इसको बोल सकते हैं दिस इज़ काइंड ऑफ रिविजन। और काफ़ी टाइम से मैंने इसको पढ़ा नहीं था, बट दिस इज़ काइंड इट गिव अ कॉन्फिडेंस। आप इसको पढ़ते हो आपको लगता है कि चलो आपको एक सब्जेक्ट तो आता है, तो एक सर्टेन आपको एक प्रोवाइड करता है कॉन्फिडेंस भी, और आपका इसके साथ साथ जो भी इसके साथ प्रिपेयर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो साथ में। और अभी मेरा पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑप्शनल ये 3 चीज़ें हो गई है, और इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अभी तक पढ़ा नहीं है, तो आई ट्राई टू कवर न्यूज़पेपर करेंट अफेयर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई ट्राई कि मैं कभी स्किप ना करूँ, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो इसके, ना कि आपके करेंट अफेयर्स, बट इसके साथ साथ बहुत ही चीज़ें आपकी इंप्रूवमेंट होती रहती है, जैसे कि आपकी वोकैब है, आपकी किसी चीज़ को समझने की जो एक वे होता है, या मे बी कह सकते हैं कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे आए हुए हैं, किसी का जजमेंट होता है, तो आप ये सब चीज़ें पढ़ते हो तो एक माइंड में आपका एक सेंटेंस फ्रेम होता है, और वो कैसे सेंटेंस फ्रेम हुआ है मे बी जब आप मेंस देने जाओ तो वहाँ पे शायद एक आपको आइडिया रहे कि कैसे लिखना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोवोक करती है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, और मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों से कि आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का मेरा जो टारगेट था, टारगेट तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, बट उसको डायरी में नोट डाउन करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आता हूँ तब भी मैं उसको मेंशन करता हूँ, जब जाता हूँ तो भी उसमें से मैंने क्या कवर किया है क्या नहीं कवर किया है, इससे आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि आपकी स्टडी कैसी चली है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, तो मैंने ऑप्शनल मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी एंड न्यूज़पेपर, ये मेरा स्लॉट आज का था, ये मैंने कवर कर लिया, तो क्वाइट फीलिंग गुड। और ऑलमोस्ट रोज़ का मेरा ऐसा रहता है कि पहले टारगेट सेट करो उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, क्योंकि आपको एक व्यू मिल जाता है कि आपको ऐसे पढ़ाई करना है, अदरवाइज़ इतने मेजर सब्जेक्ट है, इतनी सारी चीज़ें हैं, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे किसको कवर करना है किसको कवर नहीं करना है, तो इसलिए टारगेट सेट करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी की पढ़ाई हो गई है कम्प्लीट, अभी यहाँ से निकलेंगे, थोड़ा सा वॉक करने जाएंगे, पार्क जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी एक्टिव डे होने के बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा वॉक कर लेना चाहिए। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ और जाता हूँ पार्क। और अभी का टाइम मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, रात के 1 बज चुके हैं,
एंड लेट मी शो यू ऑल द टाइम, 1 बज चुके हैं और मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से सीधे चलेंगे पार्क, थोड़ा सा वॉक करेंगे, देन जाएंगे सोने। और अभी मैं निकल पड़ा हूँ पार्क के लिए और देख सकते हो रात के 1 बजे, लेकिन लोग यहाँ अभी भी वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मे बी कुछ पढ़ते भी हैं, लाइब्रेरी आते जाते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट पूरी नाइट ऐसे ही आपको चेयर पहले यहाँ देखने को मिलेगी और थोड़े थोड़े फॉग देख सकते हो आप लोग। विंटर इज़ कमिंग, सो गर्मी से तो बेहतर ही है मौसम और काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो अभी चलते हैं फटाफट पार्क, थोड़ा सा वॉक करेंगे, देन वापस बैक टू रूम एंड देन अगेन वही शेड्यूल, वही चीज़ें फॉलो करनी है। मौसम और पार्क, हम पार्क पहुँच चुके हैं और यहाँ भी लोग अच्छे खासे वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी होता है खुद को टाइम भी देना वॉक करना, क्योंकि इतने लंबे आप सिटिंग करते हो, इतने लंबे टाइम आप बैठते हो तो आपकी बॉडी भी वैसे ही एकदम स्टिफ हो जाती है। तो आप वॉक किया करो, थोड़ा एक्सरसाइज वर्कआउट वट एवर आप कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी का मूवमेंट रहे, आप वो किया करो। अरे so, यार ये आज का पूरा दिन का टारगेट था मेरा, जो भी था मैंने कम्प्लीट किया और यहाँ आ गया। थोड़ा सा वॉक करता हूँ फिर वापस जाऊँगा। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आई ट्राई टू मेक न्यू वीडियो सून, बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट होप आप लोग ऐसे ही अपना जो प्यार है शो करते रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।